नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में इक्विटी पावर द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, जैसे जो रिच पीपल होते हैं उनके कुछ हैबिट्स, उनके कुछ आदतें जो होती हैं बिल्कुल अलग होती हैं, आम लोगों की आदतों से बिल्कुल अलग आदतें होती हैं। क्योंकि तभी लोग जो रिच पीपल हैं और रिच होते जा रहे हैं, जो पुअर पीपल हैं और पुअर होते जा रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा रिच पीपल के कुछ 10 ऐसी आदतें हैं, जो ऐसे हैबिट्स जो अगर हम यूज करें तो आज ही तो कल हम भी अमीर बन सकते हैं। अमीर उनके जैसा बड़े बड़े अमीर तो नहीं, बट उस अमीर बनने के प्रोसेस में आ सकते हैं। और कोई भी स्टार्ट होता है ना, स्टार्टअप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम स्टार्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम चलना ही स्टार्ट नहीं करेंगे तो हम अपनी मंजिल तक कैसे पहुँचेंगे। तो अपनी आदतों को कुछ हम बदल के जिस आदतों के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा, उस आदतों को अगर हम बदलते हैं तो हम अपनी जो पुअल जो एक मतलब लाइन सब बना हुआ है अमीर और गरीबी के बीच में, हम गरीब लोग भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, गरीब अमीर उन लोगों को कहते हैं जो जो एक सिस्टम क्रिएट कर चुके हैं, जो पैसिव इनकम की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो मैं उन आदतों को आज बताने वाला हूँ जो आगे बढ़ते हैं। तो मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ये फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो है और MLM मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो है। ये वीडियो डे टू डे मैं बनाता हूँ, वीक में 3-4 वीडियोज बनते हैं जो अपलोड होते हैं। तो मैं उन आदतों को बताने जा रहा हूँ जो अमीर लोगों की आदतें होती हैं। तो पहला जो आदत होता है, जो पहला हैबिट है उनका, ऑलवेज वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। मैंने ये नोट बनाया हुआ है कुछ रिसर्च और कुछ गूगल सर्च करके। तो जो अमीर लोग होते हैं ऑलवेज जो वर्क करते हैं वो लर्न करने के लिए वर्क करते हैं, अर्न करने के लिए वर्क नहीं करते, क्योंकि उनका मोटिव पैसा कमाना तो होता है, बट पैसा कमाने से पहले पैसा कैसे कमाया जाए उसको सीखना होता है। तो ऑलवेज वर्क फॉर लर्न नॉट फॉर अर्न, राइट। और दूसरा जो हैबिट होता है, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। ऑलवेज कहा जाता है कि जैसे रिच डैड पुअर डैड पीपल भी है, या बहुत सारे ऐसे ऐसे थिंक बिग बहुत से ऐसे बुक्स है जिसमें कहा गया कि आप पहले अपने आप पर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अपने आप पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस चीज़ को समझ सकते हैं, उस आपकी बॉडी, आपका दिमाग, आपका माइंड उस चीज़ पर जा सकता है जिस चीज़ से हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि गर्दन के नीचे के पार्ट को ना बहुत खिलाते हैं, बट गर्दन के ऊपर के पार्ट को कुछ नहीं करते। तो हम उस वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का मतलब है कि हम ये गर्दन के है ना, गर्दन ये नेक, इसके ऊपर की चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करें, इट मीन्स माइंड के ऊपर। अगर माइंड को हम शार्प करेंगे, माइंड को ज़्यादा तकलीफ देंगे, माइंड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, तो हमें माइंड हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल कर देगा कि हम अपने हैबिट को कैसे चेंज कर सकते हैं, और हैबिट चेंज करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ऑलवेज इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, राइट। डोंट वेस्ट योर टाइम। हम पब्लिक क्या होती है, जैसे आजकल चुनाव चल रहे हैं तो चार बंदे मिले नहीं कि चुनाव कौन जीत रहा है, तो ये जीत रहा है, तो एक्स पर्सन जीत रहा है, एक्स पर्सन पीएम बनेगा। अरे आप अपने घर के फाइनेंस के बारे में सोचिए, आप अपने घर के बारे में फाइनेंस के बारे में नहीं सोचते और देश के फाइनेंस के बारे में सोचने लगते हैं। अपने घर के लीडरशिप पर आपकी काबू नहीं है, आपका काबू नहीं, आप देश के लीडरशिप पर सोचने लगते हैं। हाँ, देश का लीडरशिप चलाने के लिए जरूरी है कि देश का लीडरशिप कैसा हो उसके ऊपर आप जरूर सोचें, बट उसके ऊपर एट ए टाइम सोचिए। जब एक बार सोच लिया, डिसाइड कर लिया कि ये बंदा हमारा लीडर बनेगा, हमारे देश का लीडर बनेगा, क्योंकि वो बंदा हमारे देश को आगे बढ़ा रहा है, आप अपने घर का लीडर बनिए। ठीक है, तो उस लीडरशिप पर उस क्रिकेट IPL चल रहा है, IPL पे अब मैक्सिमम अपने दोस्तों अपने रोड पे चलते लोग, अपने ऑफिस में भी मैं सोचता हूँ लोग IPL आज कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। अरे यार, वो जीतते या हारते वो आपसे आपको क्या लेना देना, आपको क्या वो पैसा देने वाला है। इवन कि उसको आप देख के आप उसको अमीर बना रहे, ना कि आप खुद बन रहे। टीवी देखना जब सबसे अधिक वेस्ट ऑफ टाइम है, जो BMW और ऑडी और मर्सिडीज का एड नहीं आता, क्योंकि वो जानते हैं कि मर्सिडीज ऑडी और BMW खरीदने वाले लोग कभी टीवी नहीं देखते। टीवी एड उन्हीं का आता है जो सेंट्रो और वेगनार ऑल्टो, जो लोग टीवी देखते हैं, जो ये गाड़ियाँ ले सकते। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट वेस्ट योर टाइम टीवी देख के, इधर उधर बातें देख के, कभी टाइम को वेस्ट ना करें। और अब लर्न फ्रॉम द पीपल हु आर एक्सपर्ट इन दैट फील्ड।
उस जिस फील्ड के बारे में आप सोच रहे हैं, जिस फील्ड के बारे में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे अगर नेटवर्किंग बिजनेस के बारे में या डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप उन लोगों से मिलिए जो लोग उस फील्ड में एक्सपर्ट है, राइट, जो उस फील्ड में लोग आगे बढ़े हुए हैं, उन लोगों से मिलिए, उन लोगों के अपने मतलब मेंटर बनाइए, उन लोगों के साथ रहिए, ना कि उन लोगों के साथ जो टाइम वेस्ट करते हैं, राइट। तो प्लीज, और डोंट वेस्ट पचवा पचवा जो है, डोंट वेस्ट योर टाइम, ये मैं 10 आदतें मैं आपको बनाकर अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। डोंट वेस्ट योर मनी आफ्टर अ हार्ड अर्न, जो जिस मनी को आप हार्ड अर्न करते हैं, आप अर्न करके लाते हैं, आप ऑफिस 9 to 6 काम करते हैं, आपको पता है कि ऑफिस में ये किस तरह से पैसा कमाया जाता है, कैसे कैसे चीज़ों को बॉस को झेलना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है, ट्रैफिक है, आना जाना पड़ता है, वो तो बिजनेस में भी करेगा, बट बिजनेस अपना हम खुद बॉस होंगे, नौकरी में हम बॉस नहीं होते। तो हम किस तरह पैसा कमाते हो हम जानते हैं, हम उस पैसे को सप्ते में 4 दिन बाहर खाकर उड़ा देते हैं, उन चीजों को खरीदते हैं जिस चीजों की हमें जरूरत नहीं होती है। वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, उन्होंने वॉरेन बफेट ने बोला है कि आप उन चीजों को ना खरीदे जिनकी आपको जरूरत ना हो, वरना बहुत जल्दी आपको उन चीजों को बेचना पड़ेगा पैसे के लिए जिनकी आपको आपको जरूरत होती है, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरी है, कुछ लॉजिक होते हैं जिससे कि हम अपने आदतों को बदल सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। डोंट वेस्ट योर मनी, डोंट वेस्ट योर हार्ड अर्न मनी, राइट। और उस मनी को आप कंपाउंड, जैसे मेरे चैनल का नाम है इक्विटी पावर, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यहाँ पर उस मनी को पावर ऑफ कंपाउंडिंग की तरह यूज करके उस मनी को हम कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमें मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया छठा, पांचवा पार्ट। छठा, ये ट्राई टू हैव मोर स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, इट मीन्स ट्राई टू हैव अ मोर सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगर एक फैमिली, एक्स फैमिली, एक बंदा अगर 2 लाख रुपए कमाता है, ठीक है, तो उस फैमिली का पूरा चीज दामोदर उस एक्स पर्सन के ऊपर होगा। बट एक फैमिली है जो वाई फैमिली है, उसमें एक बंदा, 10 बंदे, 5 बंदे 50 50 50 50 हज़ार रुपये कमाते हैं, इसमें 2.5 लाख रुपये कमाते हैं। अब यहाँ पर जो एक्स फैमिली है जिसमें एक बंदा कमाता है, वो बहुत ज्यादा रिस्की होगा, बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना अलार्मिंग फेस पे होगा, अगर उस बंदे को कुछ हो गया तो उसकी सारी की सारी फैमिली बंद हो जाएगी, सारा का सारा सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाएगा। बट जो वाइफ फैमिली है जिसमें 5 बंदे कमा रहे हैं, उसमें से एक बंदे को कुछ हुआ, 2 बंदों को कुछ हुआ, 3 बंदों को कुछ हुआ, तभी उसकी फैमिली चलती रहेगी। तो यहाँ पर मेरा समझाने का ये मतलब है कि आपको सोर्स ऑफ इनकम एक से अधिक होनी चाहिए, 2 3 4 5 इतने सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। अब क्योंकि अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज ट्राई टू हैव, आप उस कोशिश कीजिए कि उसको रखें, उसको क्रिएट करें, ट्राई टू क्रिएट द सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना वो आपके हाथ में, आप कितना वर्कआउट कर सकते हैं आपके, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम आजकल बहुत है। इट विल टेक टाइम, नॉट ए सिंगल डे, नॉट ए सिंगल नाइट में आप कोई भी काम स्टार्ट किया और आपके पास पैसा आना रहेगा, आपके पास टाइम लगेगा, बट टाइम टाइम लगाइए उस चीज में, ना कि आपको टाइम कहीं वेस्ट कीजिए टीवी देख के, IPL देख के और पॉलिटिक्स के बारे में बातें करके, वो सब पॉलिटिक्स में बातें करेंगे, पॉलिटिक्स जैसा ही हो जाएगा। पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज है, बट एक बहुत ही अच्छी चीज है अगर उसको हम सही तरीके से यूज करें, राइट। ऑलवेज बी एन इन्फ्लुएंस, आप हमेशा इन्फ्लुएंस, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कीजिए, ना कि आप उल्टे सीधे बात करके, हमेशा लोगों को सही डायरेक्शन दीजिए, हमेशा लोगों को सही जानकारी दीजिए। अगर आप लोगों को सही जानकारी देंगे तो लोग आपके आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, और आप उस समय कोई भी बात बोलेंगे आपकी बातों को सीरियसली लेंगे, ठीक है। डोंट एवर बी ए बॉस, बी ए लीडर, कभी अपनी टीम का, अगर आप MLM मार्केटिंग करते हैं तो कभी अपनी टीम का बॉस मत बनिए, मैनेजर मत बनिए, मैनेजमेंट में पार्ट में मत जाइए, हमेशा आप लीडर लीडर बनिए। लीडर का क्या मतलब है, लीड फ्रॉम द फ्रंट। आप कोई भी बिजनेस करते हैं उसके बारे में बिजनेस में पूरी इंफॉर्मेशन रखिए, पर्सनल टच दीजिए, अगर पर्सनल टच नहीं देंगे तो आपका बिजनेस कहीं कहीं का बिजनेस कहीं चला जाता है। तो उस बिजनेस में पर्सनल टच दीजिए और लीडर बनिए, ना कि बॉस बनिए, राइट। जस्ट नो द गेम, यू डोंट ऑलवेज विन। आप गेम के बारे में, आप अगर कोई भी गेम के बारे में जानते हैं, क्रिकेट मैच के या फुटबॉल हो या हॉकी हो, गेम में हमेशा हार जीत होती रहती है, बिजनेस हमेशा ऊपर नीचे चलते रहता है, और ऑलवेज आप बिजनेस को, बिजनेस में जो कहते हैं ना, बिजनेस का ग्राफ, अगर
आपका ग्राफ जो होता है ना, मतलब ICC का रिपोर्ट देखा होगा आपने, हमेशा रिपोर्ट ऐसे आता है। बिजनेस में हमेशा ऊपर नीचे चलता है, गेम में भी हमेशा हार जीत बनी रहती है। तो हार जीत से मत डरिए, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आप ऊपर नीचे जा सकते हैं। गेम बिजनेस को ऐसे गेम लीजिए, क्योंकि गेम में अगर आप जैसे हार जीत बनी रहती है, उससे इसमें भी आप हार जीत के स्पोर्ट को समझिए। हमेशा आप बिजनेस में हारने के लिए तैयार रहिए। जो बंदा हारेगा, जो बंदा दौड़ेगा, जो बंदा चलेगा, वही बंदा गिरेगा, वही बंदा जीतेगा, ठीक है। तो और उस फेल्यूअर से, उस हार से सीख लीजिए, क्या उस बिजनेस से हम क्या सीख कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आगे, राइट। और अभी जो मैंने 9 पॉइंट बताया, पहला पॉइंट क्या था, ऑलवेज वर्क टू लर्न नॉट फॉर अर्न, राइट। काम करने के लिए, सीखने के लिए काम कीजिए, ना कि अर्न करने के लिए। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, आपकी दुनिया, आपके जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो होगा वो आपके ऊपर होगा, जो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, दूसरा। तीसरा डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट कीप ऑफ हस्टलिंग। मतलब ये, अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए, अपने टाइम को हमेशा सही जगह पे यूज कीजिए, राइट। चौथा, लर्न फ्रॉम द पीपल हु आर एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, उन बंदों से सीखिए जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो, राइट। पांचवा, डोंट ट्राई टू वेस्ट योर हार्ड एंड मनी, अपने हार्ड एंड मनी को वेस्ट करने की कोशिश मत कीजिए, राइट। ये तो वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप, जैसे पहले बताया मैंने, आप उन चीजों को खरीदेंगे जिनकी आपको जरूरत नहीं है, तो आपको बहुत जल्दी उन चीजों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी, राइट। ट्राई टू हैव सम सोर्स ऑफ इनकम, अपने किसी बहुत से सोर्स ऑफ इनकम को अपने जनरेट कीजिए, क्रिएट कीजिए, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, कोई आपको आके पास में क्रिएट नहीं करेगा, राइट। ऑलवेज बी एन इन्फ्लुएंसर, हमेशा इन्फ्लुएंसर बनिए, इट मीन्स हमेशा लोगों को सही डायरेक्शन दीजिए, हमेशा लोगों को बताइए ताकि लोग आपकी बातों को सुन सके, राइट। डोंट एवर बी ए बॉस, ऑलवेज बी ए लीडर, कभी बॉस मत बनिए अपने गेम का, अपने बिजनेस का, हमेशा लीडर बनिए, लोगों को पर्सनल टच दीजिए, लोगों के साथ, अपने टीम के साथ पर्सनल टच में रहिए, राइट। जस्ट नो द गेम, गेम आप गेम को जानिए, क्योंकि गेम में हार जीत लगा रहता है, जिस गेम में जो हारता नहीं उस गेम में वो जीतता भी नहीं है, क्योंकि ECG का ग्राफ भी ऊपर नीचे होता रहता है, और उसी तरह बिजनेस भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो ऑलवेज आप गेम के रूल्स को जानिए, ऑलवेज बिजनेस के रूल्स को जानिए। और दसवां, डोंट फॉरगेट द एबव 9 सेड रूल्स, जो ऊपर मैंने 9 रूल बताया ना, उसको कहीं फॉरगेट मत कीजिए। तो इसके साथ ये 10 पॉइंट है, और ये 10 पॉइंट को रिमेम्बर रखिए। और आपको ये बिजनेस, आपको ये इंफॉर्मेशन और आपको ये नॉलेज अगर आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर कीजिए, और इसको सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आगे आने वाले दिनों में जब मैं फाइनेंशियल रिलेटेड इंफॉर्मेशन और MLM मार्केटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करूँ, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचे, राइट। थैंक्स।